ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सी द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हम बात कर रहे हैं 23वें दिन के अप्रैल मास के ईश्वरी वरदान की, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हमें एक रॉयल ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या हुआ? ब्राह्मण हुआ जो कि एक सच्चा ह्यूमन बीइंग है, एक सच्चा नागरिक जिसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, जिसके अंदर विद्या है, विजडम है, विवेक है कि वो हर सिचुएशन को आराम से पार कर पाए, बिना किसी के बारे में बुरा बोले, बिना किसी को नीचे गिराए हुए। वो एक सच्चा ब्राह्मण है। तो परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम वैसे ही एक रॉयल ब्राह्मण, एक अच्छा इंसान बने। तो देखें परमात्मा कहते क्या है इसके बारे में। परमात्मा पिता कहते हैं प्योरिटी की रॉयल्टी। एक तो होगी प्योरिटी कि आप पवित्र सोचते हैं, पवित्र खाते हैं, पवित्र बोलते हैं, और एक नेक्स्ट लेवल हो गया कि प्योरिटी की भी क्या हो, रॉयल्टी। जो इंसान रॉयल होता है उसको बोलना नहीं पड़ता कि मैं रॉयल हूँ या मैं रॉयल घराने का हूँ, उसके चाल चलन से पता चलता है। तो उसके अंदर वो अहंकार नहीं रहता कि लोग मुझे जाने कि मैं रॉयल हूँ, तो वो रॉयल्टी होगी उस रॉयल्टी की। यहाँ पे परमात्मा कहते हैं प्योरिटी की रॉयल्टी कि मैं सबके बारे में अच्छा सोचता हूँ, किसी को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं आपको, आप उस अवस्था में हैं, यही आपकी रॉयल्टी है। तो प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भवा, कि ब्राह्मण जीवन एक अच्छा इंसान का जीवन कैसा होता है उसको प्रत्यक्ष करने, और ये अच्छा इंसान या ब्राह्मण कौन बना रहा है? परमपिता परमात्मा स्वयं ब्रह्म के द्वारा। अच्छा, ब्राह्मण है कौन, इसको जानने के लिए मैं कल एक वीडियो यूट्यूब चैनल पर और व्हाट्सएप वाले लिसनर्स के लिए, आप सबके लिए एक ऑडियो जो कि 40-45 मिनट्स का होगा, एक ब्राह्मण और एक शूद्र कि सच्ची डेफिनेशन, सच्ची परिभाषा क्या है परमात्मा की नज़र से। हम इंसान तो जानते हैं जो कि हमने पढ़ा है ऋग्वेदा में और शास्त्रों में कि उनकी डेफिनेशन क्या है, वो होते कौन है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, लेकिन जो सच्ची उसकी परिभाषा है उसके बारे में आप कल सुनने को आपको मिलेगा। तो देखिए आगे परमात्मा कहते क्या है। परमात्मा कहते हैं रॉयल्टी जो है, प्योरिटी की रॉयल्टी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है, इमेजिन करें, तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है। आपको पता चल जाता है उनके पहनावे से ही नहीं, लेकिन उनके बोलचाल से, देखने के तरीके से, उनके उनके बैठने के तरीके से, उठने बैठने के तरीके से, खाने के तरीके से, बोलचाल हर चीज़ से पता चलता है, उनके बिहेवियर से पता चलता है, उनका कैरेक्टर कैसा है, वो कोई रॉयल फैमिली की आत्मा है। फिर परमात्मा कहते हैं पता पड़ता है कि ये कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। आप सच्चे ब्राह्मण तभी कहलाए जाएंगे जब आपके मन और बुद्धि में किसी के प्रति छोटा सा भी आप कहें किसी के प्रति आपके अशुभ भावना, अशुभ संकल्प, किसी के लिए बद्दुआ नहीं हो। तो अगर आपके पास में अशुभ भावना है, अशुभ संकल्प है और बद्दुआ है किसी के प्रति, तो आप शूद्र बन गए हैं। आपको हिंट मिल गया होगा कल की वीडियो के बारे में कि ब्राह्मण और शूद्र होता क्या है, तो और डिटेल में सुनने के लिए आप कल सुनिएगा उसको जरूर। लेकिन यहाँ पे आगे चलते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। चलन और चेहरे से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। एक तो हो गया बोल में, हो गया आपने बोला किसी के बारे में, इसने ऐसे किया, इसके देखो चाल चलन देखो, इसका कैसे बिहेव करने का तरीका देखो, कैसे हैं ये लोग, कितने गिरे हुए हैं, कितने ये हैं, कितने वो हैं, ऐसे बोलते हैं ना, तो ये हो गया मुख से अपवित्रता। एक होता है आप करके दिखा रहे हैं किसी को, किसी से बदला ले लिया, किसी को नीचा दिखा दिया आपने कुछ कार्य करके, किसी को दिखा दिया कि वो उसकी बुद्धि कम है, मेरी बुद्धि ज़्यादा है, ये हो गया कर्म के द्वारा आपने दिखा दिया, लेकिन ये भी शूद्रपना हो गया। परमात्मा कहते हैं वो प्योरिटी नहीं हुई, वो ब्राह्मण पना नहीं हुआ, तो नाम निशान ना हो। परमात्मा कहते हैं प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार का व अशुद्धि का प्रभाव ना हो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। यानी कि आप कोई हलचल देख रहे हैं, आजू बाजू झगड़ा हो रहा है परिवार में हो, चाहे आपके आसपास हो, चाहे कोई किसी के बारे में गलत सोच रहा हो, बोल रहा हो, किसी के साथ गलत कर रहा हो, आपने देख लिया उसको, आपने उसके बारे में चिंतन करा, उसके बारे में बोला औरों को,
और आपने वो नेगेटिविटी को फैलाई, आपने वो चीज़, इसका मतलब आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ गया। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, नफरत का आपके ऊपर क्या पड़ गया, इनमें से किसी भी चीज़ का आपके ऊपर प्रभाव पड़ गया, तो आप ब्राह्मण नहीं रहे, अब रॉयल आत्मा प्योर वाली नहीं रहे। लेकिन इसको बनना कैसे है, ये कैसे हम इस हाई लेवल पे पहुँचे और इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब आप इस लेवल की प्योरिटी पे पहुँचते हैं तो आपके मन में हमेशा शांति, सुख, खुशी होती है, जो कि कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति चुरा नहीं सकता आपसे। क्या आप इस चीज़ को चाहते हैं? क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खोना क्या है? आपके अपवित्र संकल्पों को, आपके अपवित्र सोच, बोल और कर्म को, बस इतना ही तो खोना है। कोई धन खोने की बात तो नहीं हो रही ना, कोई जगह चेंज करने की बात नहीं हो रही है। वैसे ही रहे, वैसे ही आप सोचे, लेकिन आपकी पवित्रता बढ़ती जाए हर दिन। उसके लिए आपको ब्रह्म कुमारी इसका 7 दिन का कोर्स करना ज़रूरी है, जिससे कि आपकी हर दिन प्योरिटी का लेवल बढ़ता जाए और आप हल्के होते जाए मन और बुद्धि से। इसको करने के लिए आप ज़रूर चाहिएगा, 7 दिन का कोर्स करिएगा। इसी के साथ ओम शांति।